तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा घड़ी। दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, आज है संडे और संडे को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई होप कि शायद आप लोगों तक यह है मंडे को पहुँचेगा। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ। बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे फर्स्ट पेपर स्ट्रेटेजी बताइए मैडम, और फर्स्ट पेपर का सिलेबस बताइए। तो मेरी आवाज़ थोड़ी आज आपको लो लगेगी, तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, थोड़ा फीवर जैसा फील हो रहा है। पर मैंने सोचा था जब से मेरे 10K हुए हैं कि हर संडे को मैं आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो रिकॉर्ड किया करूँगी, मतलब जिसमें स्ट्रेटेजी या फिर मोटिवेशन या फिर फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें होंगी जिससे आप लोगों को गाइडेंस मिल सके। क्योंकि आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो पसंद आते हैं वो मेरे मोटिवेशन वाले और स्ट्रेटेजी वाले ही वीडियो सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इसलिए मैंने कि ठीक है, तबीयत ख़राब है पर घर पे हूँ, फ्री हूँ, फिर अगले हफ्ते पूरे छुट्टी नहीं मिलेंगी, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड करने का सोचा है। तो सबसे पहले तो देखो, अपना जो फर्स्ट पेपर होता है उसका सिलेबस, अगर देखो मेरे पास प्रोजेक्टर नहीं है कि मैं आपको पीछे सिलेबस दिखाती, मैं सिलेबस मैंने डाउनलोड कर रखा है और सिलेबस मैं आपको यहाँ पे नीचे, आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करोगे तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी PDF बना के, ठीक है। और उसकी PDF आप अपने पास में डाउनलोड करके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो सिलेबस है, जो भी दोनों पेपर्स का सिलेबस है, यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट पेपर का सिलेबस बता रही हूँ, पूरी तरह से समझा दूंगी। और जो आपका सेकंड पेपर है, जो भी ऑप्शनल पेपर है, उसका सिलेबस आप निकलवा के रख लें। अगर आपको निकालना आता है तो RPSC की साइट पर जाइए, और RPSC की साइट पर आपको हर एक एग्जाम के ऑथेंटिक सिलेबस मिल जाएंगे जो हमारे रियल सिलेबस हैं। और अगर आपको निकालना नहीं आता तो आप ई मित्र के पास जाके और एक बार सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए, और क्योंकि फ़ोन से भी ज़्यादा प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। अदरवाइज अगर आपके पास में कोई गाइड वगैरह पड़ी है तो उसमें भी हमारा सिलेबस दिया हुआ होता है फर्स्ट पेजेस पे, तो वहाँ से आप अपने पास में उतार के और अपनी दीवार पे चिपका लीजिए। देखो देखो, हमारा जो सिलेबस है उसको मोटे मोटे रूप में 5 भागों में बांटा है। खुद RPSC ने 5 भागों में बांट के सिलेबस दे रखा। फर्स्ट में दिया गया है हमें राजस्थान और भारत का इतिहास, तो इसमें भारत का इतिहास बढ़ा दिया है और राजस्थान का इतिहास कम दिया है। एक बहुत अच्छी बात हमारे सिलेबस, हमारी जो इसकी ये है सिलेबस की, कि आपको दिखेगा जैसे भारत और राजस्थान का इतिहास आप खोलोगे तो आपको बहुत बड़ा इतिहास दिखेगा और आपको लगेगा यार इतना बड़ा सिलेबस है, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा कर रखा है कि देखो अगर सिर्फ ये लोग भारत का इतिहास और राजस्थान का इतिहास लिख देते ना तो आप लोगों के लिए ना वो इतना भारी हो जाता है, क्योंकि इतिहास हमारा बहुत बड़ा है। इतिहास हमारा वो पुरातन इतिहास है, मध्यकालीन है, आधुनिक है, आधुनिक में भी फिर हमारा राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह, ये बहुत बड़ा हो जाता है। पर आपके सामने ना बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट टॉपिक लिखे गए हैं। और देखो ऐसे तो आप सारी GK इसमें दी गई है, और ऐसे आप लगने लगे ना छोटी छोटी चीज़ों में तो आप ना करे ही जाओगे, मतलब है ना कि कितना कितना तैयार करोगे आप। और आपको नंबर, मतलब क्वेश्चन आएंगे यहाँ से 75, और 75 के बहुत सारे पार्ट्स कर रखे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत सब मतलब चूज करके टॉपिक पढ़ने हैं, है ना, कि ऐसा नहीं है कि हम हिस्ट्री पढ़ने लगे तो हिस्ट्री की बहुत बहुत गूढ़ बातें पढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। ऐसा करोगे तो आप फर्स्ट पेपर के ही लगे रह जाओगे। हमारा जो सिलेक्शन दिलवाता है वो सेकंड पेपर है, लेकिन सिलेक्शन में योगदान इसका भी रहता है, क्योंकि आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है तो ऑब्वियसली बात है इस पर आप कम ध्यान दे पाओगे। और मैं कहूँगी कि अगर दिन में 2 घंटे आप डेली अभी से अगर फर्स्ट पेपर तैयार कर रहे हो बस उतना काफ़ी है, उससे ज़्यादा जोर देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें हमारा भारत और राजस्थान का इतिहास, सेकंड में हमारी मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और साइंस, और क्या दी गई, साइंस नहीं, इंग्लिश और हिंदी, 4 चीजें दी गई है। थर्ड पार्ट में सामान्य विज्ञान, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल। फोर्थ में शैक्षिक प्रबंधन दिया गया है, एजुकेशनल मैनेजमेंट। और फिफ्थ में मतलब समसामयिक, मतलब करंट हमारा दिया गया है। तो क्या करना है आपको, देखना है कि RBSC ने खुद ने ना इनके क्वेश्चंस भी विभाजित कर रखे हैं और इनके नंबर भी विभाजित कर रखे हैं। जैसे कि भारत का इतिहास, भारत और राजस्थान का जो इतिहास है इसमें 15 क्वेश्चन और 30 अंक, तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक वो फेवर वाला चीज हो जाता है कि 15 क्वेश्चन आने वाले और 30 नंबरों के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा जोर अगर आपको फर्स्ट पेपर में किसी चीज पे देना है तो वह है राजस्थान और इंडियन हिस्ट्री पे। अब देखो आपको ना, चाहे आप कोई से भी बैकग्राउंड के हो, अगर आपको यूं लगता है कि यार हमसे हिस्ट्री होगी नहीं, बहुत आसान है हिस्ट्री में। अब मैं बताती हूँ कहाँ कहाँ से पढ़ना। देखो हिस्ट्री में इन्होंने बिल्कुल क्लियर लिख रखा है, सबसे पहले आपको मौर्य और गुप्त साम्राज्य पढ़ना है। बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत अच्छा टॉपिक भी है। पढ़ोगे कहाँ से, ये आप 9th से 12th के NCERTs उठा लीजिए। आजकल अगर आपका कोई भी भाई बहन सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो हम NCERTs ही पढ़ाते हैं वहाँ पे, और
मैं खुद 9th और 10th में सोशल साइंस पढ़ाती हूँ और 11th 12th में मैं पॉलिटी भी पढ़ाती हूँ, मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाती हूँ। मैं ज्योग्राफी की लेक्चरर हूँ बट स्कूल में नहीं है टीचर्स, इसलिए मैं खुद बच्चों को पढ़ाती हूँ कि रिजल्ट बच्चे का किसी का भी खराब नहीं रहे, है ना। तो मुझे पता है अब मेरा 3 साल का अनुभव होने को आया, इसलिए मुझे पता है कि किस किताब में क्या दिया हुआ है। तो मैं ये कहूँगी, ये जो जितने भी आपके टॉपिक दिए हैं, जैसे मौर्य गुप्त साम्राज्य, प्राचीन भारत में शिक्षा, 1857 की क्रांति, पुनर्जागरण आंदोलन में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी, और ये सारी चीजें आपको मिलेंगे 9th से 12th तक के एनसीईआरटी लेनी है, और वो भी आपको खरीदनी नहीं है बिल्कुल भी नहीं। आप गूगल पे जाओ और गूगल पे आपको 9th से 10th में तो आपको सामाजिक विज्ञान मिलेगी, और सामाजिक विज्ञान में भी हिस्ट्री, सामाजिक विज्ञान के 4 पार्ट है 9th और 10th में, तो उसमें हिस्ट्री वाली खोलनी है आपको, और हिस्ट्री वाले में ये कुछ टॉपिक्स तो आपको वहां मिलेंगे, और कुछ 11th और 12th में हिस्ट्री अलग से सब्जेक्ट चल जाता है, तो वहां पे दो दो किताबें चलती है हिस्ट्री की। हर एक किताब को डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है, हिस्ट्री सिलेबस डालोगे ना तो आपको गूगल पे पहले सिलेबस पार्टों के नाम दिखा देगा। अब आप देख लेना कि किस पार्ट में 1857 की क्रांति है, किस में क्या है, और हमें पता चल जाएगा कि इसमें से हमें ये वाला टॉपिक उठाना है। आपको करना क्या है, आपको अपनी कॉपी बनानी है, फर्स्ट पेपर की सिर्फ एक कॉपी बनानी है आपको, कुछ ही नहीं करना उसमें। सबसे पहले हिस्ट्री सब्जेक्ट पे आ जाओ, क्योंकि अभी तो हमारी वैकेंसी भी नहीं आई, डेट भी नहीं आई, अभी आपकी तैयारी के लिए बेस्ट समय है। सबसे पहले अपनी एक कॉपी बनाओ, और आप चूज करो कि आराम से पहले 9th और 10th की पहले सिलेबस निकलवा के रख लिया आपने पास में, PDF हाथ में ले लो, फिर 9th और 10th की सोशल साइंस की हिस्ट्री की किताबें डाउनलोड करो, उसमें देखो कि हमारे जो सिलेबस में दे रखे हैं ना चीजें, उसमें से कौन सी है हिस्ट्री में, और जो भी हिस्ट्री में है वहां पे टिक लगा लो, उसके आगे लिख लो सिलेबस में, लिख लो कि ये 9th की किताब में मिलेगा, पेज नंबर भी लिख लो, ये 10th की किताब में मिलेगा, पेज नंबर भी लिख लो, और ऐसे ही 11th और 12th में से छांट लो सारी चीजें कि मुझे ये वाली इस चीज में मिलेगी, बता कि जब आप पढ़ना शुरू कर दो तब आपका टाइम खराब नहीं हो। तो हिस्ट्री हो जाएगी हमारी NCERTs में से। इसके अलावा इसमें देखो कुछ हमारे स्पेशल नाम दिए गए हैं, जैसे BD सावरकर, लाल बाल पाल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, अलग से क्रांतिकारियों के नाम दिए गए हैं, तो इन क्रांतिकारियों को स्पेशली पढ़ना है। एक राजस्थान अध्ययन की किताब आती है 9th से 12th तक की, है ना, हम एग्जाम लेते हैं राजस्थान की, तो उनके अलग से चला रखी है, और एक आती है आजादी का स्वर्णिम इतिहास, दो किताबें नहीं चलाई है राजस्थान सरकार ने। आप कोई भी सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है उसकी देख लो, या फिर अगर मतलब नहीं है तो डाउनलोड कर लो, है ना। इन किताबों में ना ये जो जितने भी हमारे क्रांतिकारी दिए गए ना, इनके अलग अलग से मतलब दो दो पैराग्राफ हर एक क्रांतिकारी, आजादी का स्वर्णिम इतिहास वाली में भी मैंने पढ़ा है, और राजस्थान वाली किताब में भी हमें मिलता है, दोनों में मिलता है, तो आप वहां से ये सारी चीजें पढ़ सकते हो। हर एक क्रांतिकारी के बारे में आपको एक एक दो दो पैसेज लिखने हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और अगर आप ये भी नहीं कर रहे तो मैंने कहाँ से पढ़ा था, मैंने पढ़ा था अजय चौधरी सर, मतलब मेरे ना हिस्ट्री तो मेरी RAS की हिसाब से तैयार हो चुकी थी, तो जब क्योंकि हमारे RAS प्री में भी हिस्ट्री आती है, तो मैंने उन्हीं नोट से रिवाइज कर लिया था जो मेरे पास में हिस्ट्री के थे, इसके टॉपिक भी। लेकिन ये लाल बाल पाल और ये सब अलग से हमारे RAS में नहीं है, ये है ना इसी में दे रखे है, तो इसलिए मैंने अजय चौधरी सर की क्लासेस थी, बहुत बढ़िया पढ़ा रखा यार उन्होंने। मैं ऐसे सोचती हूँ सर मतलब लाते कहाँ से है मैटर, वो शायद हिस्ट्री के ही लेक्चरर है, इतना बढ़िया पढ़ा रखा है उन्होंने। अभी भी उनकी क्लासेस यूट्यूब पे पढ़ी है, और मैं उनका कोई प्रचार नहीं कर रही। जब मैं उनके पास में पढ़ने लगी थी ना, मतलब मैंने ज्वाइन किया था, तो ना वो ऐसे जैसे मैं पढ़ाती हूँ ना आपको एक कॉपी लेके, और ऊपर किसी को कैमरा पकड़ा देते थे, स्टैंड में लगाते थे, कैमरा थोड़ा हिलता भी रहता था, यूँ पढ़ाते थे, पर पढ़ाने की जो क्वालिटी थी इनकी, मतलब जो वो पढ़ाते थे वो इतना बेस्ट पढ़ाते थे कि धीरे धीरे उनका चैनल इतना चल गया था कि अभी तो उनकी ऐप भी है। हालांकि कुछ दिनों से अजय चौधरी सर एक्टिव नहीं है, पता नहीं, आई होप कि सब अच्छा हो, पर मैंने उनसे पढ़ा था, और मतलब वो इसी तरह से पढ़ाते थे, लेकिन वो बेस्ट था। मैं कभी भी किसी भी चैनल के फॉलोवर्स देख के उसको फॉलो नहीं करती थी, मैं देखती थी कि पढ़ा कैसा रहा है, अगर मुझे समझ में आ रहा है तो मैं उसी एक ही टीचर पे विश्वास करती थी। और शायद मैंने अजय चौधरी सर का नाम मेरे हर एक स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में लिया है, क्योंकि मुझे इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, और मैंने उनकी बहुत सारी उनके वीडियोज से बहुत, और फ्री जो वीडियोज थे, मैंने उनके ऐप पे तो कभी कुछ खरीदा ही नहीं, उनकी जो फ्री जो वीडियोज थे मैंने सिर्फ उनसे पढ़ाई करी थी, ठीक है। तो आप इनसे पढ़ सकते हो, तो इंडियन हिस्ट्री हो जाएगी। अब आते हैं राजस्थान की हिस्ट्री में, तो राजस्थान की हिस्ट्री में मैंने देखो पढ़ा था, वो लक्ष्य राजस्थान से पढ़ा था, और मेरे पास लक्ष्य राजस्थान की
पुराने वाली बुक लाई हुई थी, वो आरएएस के लिए गाइड है। मैंने हमेशा राजस्थान, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी, ये सब मैंने हमेशा लक्ष्य राजस्थान से पढ़ी है। और मेरे पास जो वर्जन है ना लक्ष्य राजस्थान का, वो है भी 2017-18 वाला, क्योंकि तभी खरीदी थी है ना। एक बार तो 2012 की खरीदी हुई थी, वो बहुत पुरानी हो गई थी, तो 17-18 वाला वर्जन खरीदा था। आजकल मुझे पता है लक्ष्य राजस्थान बहुत मोटी आने लग गई है, और मतलब अच्छी तो आती है, लेकिन बहुत डीप आने लगी, तो देख के डर जाते हैं हम, इतना सब कुछ कैसे पढ़ेंगे। लेकिन मुझे ऐसे लगता है अगर कोई गाइड विश्वास लायक है तो वो लक्ष्य राजस्थान है। लक्ष्य राजस्थान वह गाइड है जिसमें छोटी छोटी, मुझे आज तक कोई गलती नहीं मिली लक्ष्य में, कोई भी गलती नहीं मिली, और मिलती भी होगी तो मैं तो लक्ष्य पे ही विश्वास करती हूँ। तो अगर आप राजस्थान की एक एक गाइड खरीद लो लक्ष्य राजस्थान, अब वो दो पार्ट्स में मिलेंगे, एक कल्चर की अलग आएगी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की अलग आएगी, बट आप एक खरीद लो है ना, मतलब क्योंकि कल्चर इसमें नहीं है अपने, है ना, तो एक खरीद लो और वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। उससे आप पॉलिटी भी पढ़ लोगे, उससे आप ज्योग्राफी पढ़ लोगे। अब मैं ये कह रही हूँ कि लक्ष्य राजस्थान भी बहुत मोटी है, आप उस पर से सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे। अब वाली जो मेरे पास थी उसमें तो लिमिटेड मैटर है, अब वाली बहुत मोटी है, तो आपको वही अपनी कॉपी बनानी है और हर चीज के नोट्स अपने हाथों से तैयार करने हैं। जैसे राजस्थान में टॉपिक्स दे रखे हैं, किसान आंदोलन, 1857 की क्रांति, विजय सिंह पथिक, राजस्थान, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट, महाराणा प्रताप और मुगल संबंध, ये सब दे रखा है। ये सब टॉपिक्स आपको लक्ष्य राजस्थान में मिल जाएंगे। और ये जो इन्होंने अलग से राजस्थान के क्रांतिकारियों के नाम लिख रखे हैं ना, विजय सिंह पथिक एंड ऑल, ये सब आपको राजस्थान का स्वर्णिम इतिहास, एक मतलब राजस्थान अध्ययन की किताब चलती है जिसमें राजस्थान का हम पेपर लेते हैं, उस वाले में मिल जाएगा। जो सरकारी स्कूल में 9 से 12 तक की राजस्थान की हर क्लास में किताब चलती है, ठीक है, उसमें मिल जाएगा। तो वहां से आप पढ़ सकते हो, मतलब जो क्रांतिकारी स्पेशल है वो आप वहां से पढ़ सकते हो, या फिर लक्ष्य राजस्थान में भी पीछे ही पीछे वाले पेजों में ना अपने जितने भी क्रांतिकारी और क्रांतिकारी महिलाएं थी उनके बारे में 4-4, 5-5, 6-6 लाइन लिखी गई है। तो वो भी मैंने तो वहां से ही पढ़ लिया था, वो भी सफिशियंट लगे थे मुझे तो, ठीक है। अब मैं स्कूल में पढ़ाने लगी तो मुझे पता है कि अच्छा सोर्स ये भी है, और हम खुद सरकार की अगर किताबों से पढ़े तो वो ज्यादा बेस्ट सोर्स होगा, तो हिस्ट्री हमारी हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि हिस्ट्री में से 30 में से 15 क्वेश्चन में से कम आपके 12-13 क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि बहुत कम चीजें हमको स्कोरिंग मिलेंगी और इसको आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। 4 चीजें हैं अगले पॉइंट में, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। अब देखो मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स के लिए तो मैं यूं बोलूंगी, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक टीचर का वीडियो देखा था, उन्होंने कहा था कि है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं 20, और 20 में मतलब रीजनिंग के 5, गणित के 5, हिंदी के 5, इंग्लिश के 5 ऐसे आने वाले हैं। अगर किसी को ऐसे लगता है कि मेरा सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे सिर्फ 40% नंबर ही लाने हैं, बाकी नंबर मैं अपने सब्जेक्ट में ले आऊंगा, तो ये वाला पार्ट आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे चीजों में बहुत सारा सिलेबस भर दिया और पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे जैसे बच्चे, क्योंकि मैं ये कहूंगी कि मेरी ज्योग्राफी अच्छी है, लेकिन मैं इतना विश्वास नहीं कर सकती थी मेरी ज्योग्राफी के कि मैं सिर्फ ज्योग्राफी के दम पे बन जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं 2012 से आरएएस की तैयारी कर रही थी और नेट मैंने शायद 2015 तक दिए थे, उसके बाद में मैंने नेट भी नहीं दिए, तो मेरा ज्योग्राफी से 15 के बाद में कोई वास्ता ही नहीं था, और 21 में मेरी एग्जाम थी, तो मेरा इतने ज्योग्राफी से वास्ता, मतलब वास्ता लाइक सिंपल ज्योग्राफी जो आरएएस में चलती है उतनी पड़ी थी, सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था कभी। तो मुझे ऐसा लगता था कि अपनी ज्योग्राफी भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, इसलिए अपन को फर्स्ट पेपर को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। इसलिए मैंने तो देखो जितना मेरे से हो सका, क्योंकि मेरी आरएएस की तैयारी करी हुई थी तो लगभग सारी चीजें एक बार को पढ़ी हुई थी, तो मैंने जितना हो सका फर्स्ट पेपर को भी साथ लेके चली मैं, जितना सेकंड को साथ लेके चली, है ना। तो आप लोग भी अगर मेरे जैसे हो जो सब्जेक्ट में भी सामान्य हो, तो उनको फर्स्ट पेपर को बराबर इंपोर्टेंस देनी ही पड़ेगी। तो मैं इसके लिए कहूंगी, एक टीचर ने बोल रखा था कि आप है ना मैथ्स और साइंस, इसके रीजनिंग के लिए, और एक साइंस भी बोला था उन्होंने, साइंस के लिए थोड़ा अगर मतलब कि पहले तो उन्होंने बोला था कि भाई कोई कोचिंग वोचिंग ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी नहीं समझ आ रहा ना, तो आप अगर स्पेशल इसके लिए कोचिंग लेना चाहो तो कोचिंग ले सकते हो, लेकिन आप स्किप मत करो। तो मैं ये कहूँगी कि यार ये ना बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि अगर आप 10 नंबर के लिए मैथ्स और रीजनिंग, 10 नंबर के लिए अगर आप ऑफलाइन किसी की कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, आप
2 घंटे तो कहीं भी आप जयपुर में कहीं भी रहते हो, कोचिंग जाने आने में 2-2.5 घंटे आपके खराब होंगे ही होंगे। 1 घंटे की क्लास के लिए आप दिन के 5 घंटे खराब कर रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। वो 5 घंटे इससे बढ़िया है कि आप अपने सब्जेक्ट को भयानक पढ़ने में लगा दो, तो बड़े अच्छे नंबर आप सब्जेक्ट में स्कोर कर लोगे। तो मैं कभी नहीं बोलूँगी कि आप किसी एक, या तो आप पूरे फर्स्ट पेपर की कोचिंग ले लो, वो ठीक है अगर आप लेना चाहते हो तो, लेकिन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, जैसे मैथ्स और स्टेटिक्स के लिए अगर आप जा रहे हो कोचिंग लेने, तो ये तो बेवकूफ़ी होगी। इसलिए मैं कभी नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि आज तक आपने जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करी है, हर एक एग्ज़ाम में सामान्य मैथ्स और स्टेटिक्स आता है, आप वही अपनी गाइड उठा लीजिए। और आप जब पढ़ाई से बोर हो जाओ ना, तब आप दिन में एक बार, मतलब आधा घंटे भी अगर मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे अब से रेगुलर, तो आप ठीक ठाक नंबर ले आओगे। हो सकता है मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आ पाए, किसी को मेरी तरह मैथ्स का फोबिया हो, मुझे बहुत डर लगता है मैथ्स का नाम सुनते ही, और मैं आसान क्वेश्चन कर देती हूँ जैसे प्रतिशतता, अनुपात समानुपात, लाभ हानि, ब्याज, लेकिन बहुत हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं ना, बहुत हार्ड मतलब थोड़ा सा भी दिमाग घुमाने वाले आ गए, मेरे बस की बात नहीं रहती है ना। तो अगर आप भी मेरे जैसे हो, लेकिन मैं रीजनिंग सारी कर लेती हूँ, रीजनिंग का आप कितना भी हार्ड दे दो, मैं थोड़े टाइम लगेगा मेरे को वहाँ बैठे 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 मैं लास्ट में आंसर निकाल ही लूँगी। तो बहुत सारे लोग मेरे जैसे ही होते हैं जिनको मैथ्स नहीं आती, पर हम रीजनिंग कर सकते हैं, और उसके लिए भी हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो आप डेली जो भी आपके पास अवेलेबल है, सिलेबस में अपने टॉपिक देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, है ना, डेली, है ना, तो ये आपका ये वाला निकल जाएगा। अब रही हिंदी और इंग्लिश की बात, अब यार हिंदी और इंग्लिश का आप सिलेबस देखोगे ना, पूरा आरएएस वाला सिलेबस है, जो हमारे आरएएस मेंस में हिंदी और इंग्लिश पढ़ा था, संधि, पर्यायवाची, मुहावरे, दोहे, प्रत्यय, फलान, दिखान, सब कुछ, और ऐसे ही इंग्लिश में भी सब कुछ। अब मैंने खुद ने भी शायद आपको बताया, और उन टीचरों ने भी बहुत सारों ने बताया, हिंदी के लिए जैसे मैं किताब बता रही हूँ आपको, तो मैं कह दूँ हिंदी के लिए राघव प्रकाश खरीद लो भाई, और इंग्लिश के लिए रस्तोगी खरीद लो। अब आपने खरीद भी ली, अब आप सिर्फ हिंदी, चलो कि आज शुरू करते हैं हिंदी, आपने सोचा कि चलो शुरू करते हैं हिंदी, आपने पर्यायवाची निकाल लें कि चलो आज राघव प्रकाश में से पर्यायवाची पढ़ते हैं। एक पर्यायवाची के राघव प्रकाश में कम से कम 30 पेज है, 30, आप कितने दिन में कवर कर लोगे उनको, और नंबर कितने आने हैं, 5, है ना, हिंदी में 5 क्वेश्चन आने हैं, और अभी तो सिर्फ ये एक टॉपिक है, इस जैसे आपको 15 टॉपिक तैयार करने हैं हिंदी के। तो क्या यह समझदारी होगी कि आप उनको लेके बैठे हो, तो या फिर इतनी बड़ी बड़ी बुक लिस्ट, तो मैं आपको बता दूंगी कि ये किताबें खरीद लो, वो बेस्ट है, क्योंकि हमने मेंस की तैयारी उन्हें दोनों किताबों से करी है, लेकिन ये बेवकूफ़ी होगी। इसलिए देखो मैं कहूँगी इंग्लिश आप स्किप करो, क्योंकि हम हिंदी मीडियम वालों की इंग्लिश बड़ी ख़राब होती है, और हमें चाहे तो भी विलोम शब्द भी मरे मुश्किल से याद होते हैं, नहीं याद होते। पर्यायवाची तो बहुत मुश्किल है इंग्लिश याद करना, क्योंकि मेरी इंग्लिश जैसा आप लोग देखते हो बहुत अच्छी नहीं है, तो बहुत ख़राब भी नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं याद होते, है ना, क्योंकि मैंने आरएएस मेंस दी है, तो मुझे पता है कि क्या हालत होती है इंग्लिश पढ़ने में, और वहाँ तो पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। पर यहाँ मैं कहूँगी इंग्लिश तो स्किप कर सकते हो आप, 5 क्वेश्चन आएंगे, आप मुझे लगता है छोड़ना समझदारी होगी, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहो तो वही रस्तोगी की, बीके रस्तोगी की बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हो, उसमें सारे टॉपिक मिलेंगे आपको। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी के लिए ना आप कभी भी राघव प्रकाश मत खरीदो, हिंदी के लिए 9 से 12 की हिंदी व्याकरण आती है, जो हमारे चलती है, हमारे मतलब सरकारी स्कूलों में चलती है 9 से 12 की हिंदी व्याकरण, उसमें बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट पर्यायवाची, विलोम शब्द, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, सब कुछ दिए हुए हैं, इतनी सी है, इतनी सी, ज़्यादा मोटी नहीं है, वो आप पढ़ सकते हो, उसको आप यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे उस किताब को, अगर पढ़ने बैठोगे तो आपकी 10-12 दिन में एक चक्कर पूरा हो जाएगा उसका। तो मैं चाहती हूँ कि आपका हिंदी में 5 क्वेश्चन में से एक भी गलत नहीं हो, क्योंकि हम हिंदी मीडियम वालों की हिंदी ठीक ठाक होती है, पर अंग्रेजी तो हमारी भाई साहब नहीं, बिल्कुल ही पार ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैं समझती हूँ यार, मैं आपके ज़माने की हूँ, मैं मतलब आपके ज़माने की मतलब अभी फ़िलहाल पिछली वैकेंसी में ही मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मैं समझ सकती हूँ कि मेरे जैसे बच्चों की क्या हालत होती होगी। टीचर जो कोचिंग्स में पढ़ाते हैं यार, वो क्या होते हैं, वो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, 45, 50, 40 उम्र के हैं, तो उनका क्या होता है, उनको ना ऐसे लगता है आसानी तो है, लेकिन अपने लिए बहुत भारी हो जाता है, वो बुक लिस्ट बता के चले जाते हैं, लेकिन अपने पास में वो बुक लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है, तो ये छोड़ सकते हो आप, है ना। मैथ्स रीजनिंग की सामान्य प्रैक्टिस करते रहो, और हिंदी तैयार कर लो, इंग्लिश आप स्किप कर सकते हो। 2 चीज़ें हो गई अपनी, तीसरा हमारा इसने दे रखा था करंट अपन लास्ट में लेंगे, तीसरा हम लेते हैं सामान्य विज्ञान, भारत की भूगोल और राजस्थान का भूगोल,
कोई भी एक भारत, देखो अगर आप गाइड खरीदना चाहो तो भारत और राजस्थान का भूगोल गाइड में से भी हो जाएगा, जैसे लक्ष्य मैंने बोला लक्ष्य में से भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सामान्य टॉपिक, बहुत सामान्य टॉपिक, बहुत अच्छी ज्योग्राफी दे रखी है भारत और राजस्थान की, बिल्कुल सामान्य नवी की ज्योग्राफी है, उसमें बहुत सारे भारत का भूगोल नवी में चलता है अपने, उसका उसको पढ़ लो। दसवीं की ज्योग्राफी में से अपने संसाधन भूगोल और इस तरह का भूगोल चलता है, प्रदूषण वाले वो टॉपिक आपको 10वीं में मिल जाएंगे। और कुछ टॉपिक आपको 11वीं की भूगोल में भौतिक भूगोल चलती है और भारत की चलती है, उसमें मिल जाएंगे। और एक आठ टॉपिक को 12वीं की भूगोल में मिल जाएगा। 12वीं की भूगोल मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, मुझे बढ़िया नहीं लगती, वो बकवास भूगोल चला रखी है 12वीं में, ठीक है। वैसे मैं बुराई नहीं कर सकती, लेकिन मुझे वो वाला इतना पसंद नहीं है। मतलब दोनों मानव भूगोल ही चला रखे हैं, थोड़ा सा कुछ चलाना चाहिए था यार, भौतिक भूगोल के कुछ एक टॉपिक स्पेशली दे देते, वो नहीं चलाए उन्होंने। 11वीं में भौतिक भूगोल चलती है, 12वीं में पूरी मानव भूगोल चलती है। तो मैं कहूँगी कि आप भारत और राजस्थान का भूगोल फिर से NCERT खंगालिए, अपने डाउनलोड कीजिए, गूगल पे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और उसी कॉपी में कि पहले आपने हिस्ट्री के नोट्स बना लिए और अब आपको बनाना है किसके, ज्योग्राफी के नोट्स। और ज्योग्राफी के नोट्स देखो ये 5-5 नंबर के हैं सारे, मतलब 10-10 नंबर के हैं, 5-5 क्वेश्चन आएंगे, विज्ञान के 5 क्वेश्चन, राजस्थान के भूगोल के 5 क्वेश्चन और भारत के भूगोल के 5 क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसे मानो पढ़े ही नंबर है ना, बिल्कुल ऐसे धरे नंबर है। तो देखा हम लोग मारवाड़ी है, भाषा पे मत जाना, धरे ही नंबर होते हैं सच में, है ना। भूगोल में कोई हार्ड होती नहीं है भूगोल। और सुनो, अगर आप मेरे को बोलते रहते हो ना पढ़ा दो यार, जब मैंने चैनल शुरुआत में खोला था ना, तो मैंने रीट के लिए अपने खुद के हैंड नोट से पूरा सिलेबस इस पे करवा रखा है, रीट वाला। रीट वाले में भी ये सारी राजस्थान की ज्योग्राफी एंड ऑल चलती है। तो आप एक बार प्लेलिस्ट तो खोलिए, आपको मेरे बनाए हुए वीडियोज मिल जाएंगे सारे सारे, ठीक है। तो आप इस तरह से भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल तैयार कर सकते हो। देखो मेरे मेरे पे भी विश्वास मत करो, आप NCERT उठाओ, वहाँ से तैयार कर सकते हो। रही बात सामान्य विज्ञान की, तो देखो यार विज्ञान मैं तो क्या ल्यूसेंट में से ही पढ़ती हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती विज्ञान। और तो 5 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य क्वेश्चन है, इतना हार्ड टॉपिक अपने विज्ञान का नहीं दे रखा। आप चाहो तो आप भी ल्यूसेंट में से तैयार कर सकते हो, ल्यूसेंट तो सबके पास मिली जाती है, अपने जो भी हम तैयारी करना शुरू करते हैं उन सबके पास मिल जाती है, तो वहाँ से तैयार कर सकते हो। तो हमारा 15 नंबर, हमारा 30 नंबर की हो गई हिस्ट्री तैयार, और अभी 30 नंबर की ये तीनों साइंस और दोनों ज्योग्राफी इंडियन और राजस्थान की, 30 नंबर की ये तैयार हो गई। 60 और मैथमेटिक्स और रीजनिंग थी अपने 20 नंबर की, मतलब कि 5-5 क्वेश्चन थे दोनों में। और हिंदी इंग्लिश में मैंने सिर्फ ये कहा इंग्लिश को स्किप कर सकते हो, हिंदी आप पढ़ लोगे, बढ़िया पढ़ लोगे। तो 30 नंबर, 40 का था वो पोर्शन, 30 वो तैयार हो गए। अब बचे शैक्षिक प्रबंधन, इसमें से 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। अब मैं ये कहूँगी कि इससे बेस्ट पोर्शन आपके लिए है ही नहीं, कोई भी गाइड ले आओ मार्केट में से, कोई भी गाइड, ऐसे बोलो एजुकेशनल मैनेजमेंट की फर्स्ट ग्रेड की गाइड चाहिए भैया, और वो जो भी गाइड दे वही ले आओ, ठीक है। उसको रट लो, इतना सा आएगा, इतना सा है ना, और उसको रट लो, क्योंकि बहुत कम सिलेबस दे रखा है और सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जैसे डाइट का निर्माण कब हुआ, RTE एक्ट कब आया था, RTE एक्ट की इस धारा में क्या लिखा हुआ है, RTE एक्ट के लक्ष्य निम्न में से कौन से हैं, कौन से नहीं है। बहुत आसान पोर्शन है इसके, तो मैं यूँ कहूँगी कि 15 क्वेश्चन में से कम आपके 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि सिर्फ रटने वाली चीज़ है। हम आर्ट्स के स्टूडेंट को रटना ही तो आता है, और क्या आता है ना। तो ये भी आप बहुत अच्छा कवर कर सकते हो, और इसको तो कवर करना ही है। देखो हिस्ट्री आपको पढ़नी ही पढ़नी है, आपको एजुकेशनल मैनेजमेंट पढ़ना ही पढ़ना है, किस में से पढ़ना है, कोई गाइड में से पढ़ना है, और आपको राजस्थान और इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी ही पढ़नी है। ये वो मोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमें हमारी मतलब कि बढ़िया नंबर लेके आएंगी। और मैंने कहा विज्ञान विज्ञान के मैंने तो देखो कभी नोट्स वोट्स भी नहीं बनाए, मैं ल्यूसेंट में से जो ये टॉपिक्स पढ़ लेती थी कि भगवान के भरोसे कि भगवान सही करवाएगा तो हो जाएगा, और 5 क्वेश्चन में से 2-3 तो हो जाते थे, इतनी हार्ड नहीं देते अपने। और रही बात लास्ट की करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स अपने हैं 10 क्वेश्चन 20 नंबर के, बहुत बड़ा पोर्शन है, और इसमें यूँ मानो 20 से भी ज़्यादा के आ जाते हैं अपने क्वेश्चन, मतलब 3-4 क्वेश्चन और होते हैं जो हिस्ट्री के भी ऐसे लगते करंट में से ही जोड़ दिए है ना। तो इस तरह के करंट अफेयर्स के लिए डेली, अब मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ और सिर्फ मैगजीन्स पर विश्वास कीजिए, आप डेली लेके चलिए एक चैनल, जैसे कि
मैंने टॉप 5 करंट अफेयर पढ़ाना शुरू किए हैं। मैं कभी नहीं कहूंगी कि आप सिर्फ मेरे पे विश्वास करो, आपको जो पसंद आता है, यूट्यूब पे ढेरों हजारों चैनल है, आपको जो पसंद आता है वो चुन लो जो डेली पढ़ाता हूँ, ठीक है। चाहे डेली के आपको 5-6 क्वेश्चन तैयार करने हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, चाहे तो आप अपने स्तर पर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, पर आपको नहीं समझ आएगा। मुझे ऐसे लगता है न्यूज़पेपर में से सबको न्यूज़ तैयार करनी नहीं आती। किसी भी एक चैनल पर विश्वास कर लो, डेली का आधा घंटा निकाल लो कि आधा घंटा मुझे करंट अफेयर पढ़ना है। और सिर्फ ये नहीं है कि उसको यूं बैठ के यूं देख लिया, आहा, देखने से कुछ नहीं होगा। अपनी करंट अफेयर की कॉपी अलग बनाओ और डेली अपने 5 क्वेश्चन तैयार करो। और लास्ट तक आते आते आपके पास में जब आपकी 6 महीने बाद एग्जाम होगी, आपकी कॉपी भर चुकी होगी, तो आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट लगभग तैयार हो चुका होगा। और बचेगा क्या आपका, बचेगा क्या आपका, बचेगा आपका सिर्फ राजस्थान का करंट अफेयर्स। और वैसे राजस्थान का ज़्यादा आता है, राजस्थान भी देखो कवर होता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि डेली के न्यूज़पेपर में राजस्थान सारा कवर हो जाता है, बहुत कम कवर हो पाता है क्योंकि लोकल न्यूज़ हमें बहुत कम मिलती है। तो रही बची राजस्थान, तो राजस्थान लास्ट में मैगजीन से कर लेना। आप में से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कौन से मैगजीन, तो देखो सूजस होती है अपनी, वो बहुत बढ़िया किताब होती है, सारी जो मैगजीन छपती है वो राजस्थान सरकार की सूजस में से ही सब छपती है। लेकिन सूजस में ना बहुत बहुत बड़ा दिया हुआ होता है, आप हर महीने की सूजस पढ़ोगे आप पागल हो जाओगे, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मूमल पढ़ो। मैं तो ये कहूँगी मूमल आती है शायद 10 या 20 रुपए की मार्केट में मिलती है, हर महीने की आती है, तो मैं ये नहीं कहूँगी आपको कि हर महीने अभी से खरीदना शुरू कर दो। जब हमारी एग्ज़ाम की डेट आ जाए ना, और जब हमारी एग्ज़ाम होनी हो तब आप मूमल खरीदोगे, 6 महीने की खरीदना। और लास्ट के जो 2 महीने, जैसे अपनी फेब में एग्ज़ाम है फरवरी में है, तो आप दिसंबर और जनवरी की मासिकांक, मतलब मासिक और वार्षिकांक खरीदने, 6 महीने की खरीद लेंगे या वार्षिकांक आई होगी तो वार्षिकांक खरीद लेंगे, बस वो 3 किताबें पढ़नी है, उनसे राजस्थान कभी मूमल से बाहर नहीं जाता। मैंने आज तक मूमल के अलावा राजस्थान की कोई किताब नहीं पढ़ी। तो इस तरह से हमें सिलेबस कवर करना है। देखो सबसे पहले भारत की हिस्ट्री के अपने नोट्स तैयार करने, आपको खुद को करने, आपको ना किसी टीचर की जरूरत है, आपको ना किसी किसी की भी जरूरत नहीं है, बस एक बंदे में विश्वास कर लो कि हाँ यार ये बंदा, इसको मैं गुरु मानता हूँ और ये मुझे, मतलब इसकी बातें मैं फॉलो करूंगा। और मेरे जैसे बहुत सारे हैं जो खुद सेलेक्टेड हैं और जो आपको गाइड करते हैं, या फिर जिसका चैनल नहीं भी है और जो अभी सेलेक्ट हुआ है हाल ही में, उसका इंटरव्यू देख लो, वो आपको जो स्ट्रेटेजी बताएगा वही काम आनी है। पुरानों की छोड़ दो यार, पुरानों के क्या चेंज हो जाते हैं, वो पुरानी बातें गाते रहते हैं, उनको मत करो। जो अभी हाल ही में पास हुए, किसी भी एक का इंटरव्यू देख लो, वो आपको बता देगा उसने जो रणनीति फॉलो करी आपको वही फॉलो करनी है। देखो पढ़ना हमें खुद को होता है, दूसरे जो सिर्फ गाइडेंस देते हैं ना, उस गाइडेंस को हम कितना समझ पाते हैं वो ज़रूरी होता है। तो आपको अपनी कॉपी तो अपनी कॉपी मोटी कॉपी ले लेना एक, ठीक है। उसमें सबसे पहले हिस्ट्री के, मेरा मन कर रहा है मैं सो जाऊँ, मेरे दर्द हो रहा है यहाँ पे बहुत गंदा वाला, जब फीवर होती है तो बॉडी पेन होता है ना, वैसे वाला हो रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है हिस्ट्री के नोट्स तैयार, जो आपको एनसीईआरटीज में से करने हैं। फिर आपको करने हैं अपनी राजस्थान का और भारत के भूगोल के नोट्स तैयार करने हैं, जो भी आपको, आप चाहो तो एनसीईआरटीज में से कर सकते हो, चाहे तो आप लक्ष्य राजस्थान में से कर सकते हो। मैंने लक्ष्य राजस्थान में पढ़े थे क्योंकि उस टाइम पे मैं इतना एनसीईआरटीज नहीं पढ़ती थी, अब मैं पढ़ाती हूँ स्कूल में, तो मुझे पता है एनसीईआरटीज से बेस्ट बुक कोई नहीं है। लक्ष्यवर्क से सब फेल है एनसीईआरटीज, क्योंकि सरकार की किताबें हैं तो क्वेश्चन भी डायरेक्ट उन्हीं में से आते हैं, और अगर वो क्या होती है, अपनी कोई गाइड गलत छाप भी देना तो सरकार मान्य भी उनको ही करती है जो एनसीईआरटीज वगैरह में छपे हुए हों, है ना। 2 हो गए, सामान्य विज्ञान आपको करनी है ल्यूसेंट में से तैयार, ठीक है। और मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स के कोई नोट्स नहीं बनाने, जो आपके पास पुरानी किताबें पढ़ी हैं, जो भी कोई गाइड पढ़ी है उसमें से आपको अपने टॉपिक के अनुसार डेली सिर्फ और सिर्फ आधा घंटे की प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग की, मैथ्स की डेली, ठीक है। हिंदी आपको पढ़नी है हिंदी व्याकरण में से, राजस्थान की हिंदी व्याकरण जो आती है 9 से 12 की एक ही किताब आती है, 4 नहीं आती, सिर्फ एक ही आती है, उसमें से पढ़नी है। और पतली सी किताब है, आप पढ़ लोगे कोई इशू ही नहीं होगा। इंग्लिश मैं कहूँगी स्किप कर दो, और जो पढ़ना चाहे वो बी के रस्तोगी में से पढ़ सकते हैं, थोड़ी भारी पड़ेगी पर जिसको इंटरेस्ट वो पढ़ सकते हैं। शैक्षिक
तो नोट्स हिंदी इंग्लिश के भी नहीं तैयार करने और नोट्स आपको मैथ्स रीजनिंग के भी नहीं तैयार करने। अब तक किसका नोट्स तैयार करने थे? एक भारत के इतिहास के, राजस्थान के इतिहास के, राजस्थान भूगोल, भारत भूगोल और सामान्य विज्ञान, है ना, 5 सब्जेक्ट हो गए। छठवा है शैक्षिक प्रबंधन, नोट्स नहीं तैयार करने हैं। शैक्षिक प्रबंधन के आपको मार्केट में गाइड मिल जाएंगी, वहां से इतनी इतनी सी गाइड आती है, आराम से खरीदो, कोई इशू ही नहीं है ना, और आराम से पढ़ो। तो पतली सी गाइड आएगी, रटना है उसको, जितना ज्यादा रट लोगे बस ये आपको 15 नंबर आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के बिल्कुल भी नहीं गंवाने। इसमें आपकी रटन विद्या काम आती है, आप कितना रट सकते हो। मैंने बहुत रटा था। करंट अफेयर के लिए कुछ भी स्पेशल तैयारी नहीं करनी, डेली का आधे घंटे का किसी का भी वीडियो, मतलब 15 मिनट का वीडियो देख लो, 15 मिनट अपना एक पेपर पढ़ लो, है ना, कोई सा भी जो एक रेगुलर फॉलो कर लो कोई भी एक पेपर। अगर मेरा देखना चाहते हो तो मैं भी आपको डेली की 5 न्यूज दिया करूंगी, वो 5 न्यूज अपनी कॉपी में लिख लो। करंट अफेयर की कॉपी अलग बनानी है आपको, ठीक है। और लास्ट में अपन को मैगजीन पढ़नी है जो एग्जाम टाइम पे मैं बता दूंगी। तो ये थी हमारी फर्स्ट पेपर की स्ट्रेटेजी, मुझे लगता है आप लोगों को बहुत काम आने वाली है, आप इसे फॉलो करो। देखो मतलब कि कोई नहीं रोक सकता आपको फर्स्ट पेपर में, मेरे बता रही हूँ, मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्ची नहीं थी, लेकिन मेरे 382 भी रैंक आई थी ऑल ओवर राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड में, जबकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही था, मैं इस चीज़ में थी भी नहीं, मैं RAS मेन्स और इंटरव्यू दे के आई थी, तो मेरा इधर कोई वो नहीं था कि भाई बहुत अच्छी तैयारी थी। और मेरे क्या नाम है, नंबर आज मैं लिख के लाई हूँ, मैं हमेशा भूल जाती हूँ, आप पूछते रहते हो, और आज मैं लिख के लाई हूँ, मेरे नंबर आए थे 84.86 नंबर आए थे, मतलब 75 क्वेश्चन आते हैं, 150 के वो होते हैं, 150 नंबर होते हैं। बाहर से ना बच्चे बहुत आवाज़ कर रहे हैं और मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। 150 नंबरों का पेपर होता है ना, उसमें से 84 नंबर आए थे, 84.86, मतलब 42 क्वेश्चन सही थे। और मैं क्या कह रही हूँ कि हमारा बी सेक्शन में पेपर था, मतलब ए बी सी तीन लोग, मतलब सारे सब्जेक्ट को आता ना, तो हमारे बी ग्रुप वाला पेपर था, और जो हमारा पेपर था जीके का वो सबसे हार्ड था उस, तो मतलब 2021 वाली एग्जामों में अगर आप किसी से भी पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसमें ये कह रहे थे कि 37-38 अगर कोई के क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना तो वो बहुत बढ़िया बात है। और मेरे 42 नंबर आए थे, 42 क्वेश्चन सही हुए थे, नंबर तो आए थे मेरे 84, तो ये बहुत अच्छी मतलब बढ़िया अचीवमेंट था। जबकि मैं कहूँगी, क्योंकि मेरा ना मैंने कोई स्पेशल तैयारी नहीं की थी फर्स्ट पेपर की, बताऊँ क्यों, क्योंकि मैंने RAS इतनी बार दे चुकी थी, तो मेरी लगभग लगभग सारी चीज़ें तैयार थी, और मेरे पास सिर्फ 2 महीने थे पढ़ने के लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए, और उन 2 महीनों में मैंने सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ी थी, ज्योग्राफी और मैथ्स रीजनिंग, और जो पुराने नोट्स थे ना मेरे RAS के, है ना, उनमें से ये टॉपिक्स ऐसे उठा उठा के देख लेती थी, और जो विजय सिंह पथिगोर मैंने बताया ये मैं अजय चौधरी ये सर के देख लेती थी, और हाँ सेक्शन प्रबंधन वाली चीज मैंने रटी थी, है ना, वो मैंने अच्छी तरह से रटी थी, ऐसे कुछ कुछ तैयारी करी थी, कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी तैयार थे, और इस तरह से ठीक ठाक नंबर अगर मैं ला सकती हूँ तो आप भी ला सकते हो। और भूल जाओगे मैं थर्ड ग्रेड नहीं बनाया, मैं सेकंड ग्रेड नहीं बना, मेरी अभी रियल सिस्टर ही बोलो, ताऊजी की लड़की है, बहुत छोटी है अभी वो, अभी वो शायद 21 साल की हुई है आई थिंक, और उसका क्या नाम है, उसका भी सिलेक्शन हुआ है ग्रेड सेकंड में, और पहले उसने रेट दिया, रेट में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि उसको 100% भरोसा था कि दीदी मेरा रेट में हो जाएगा, बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, पर पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, जो उसने सोचा उससे 15-16 नंबर ज़्यादा आ गए, और उसकी की हमने खुद ने मिलाई थी, ऐसा भी नहीं है बच्ची ने मिलाई थी कि गलत कर दी, हमने खुद ने मिलाई थी, फिर भी उसके बहुत गड़बड़ हुई, पता नहीं क्या हुआ, भरने में गलत कर दिया जो भी है, लेकिन अभी उसके ग्रेड सेकंड में सिलेक्शन हुआ है, तो थर्ड ग्रेड नहीं मिली। सबने एक बार का ऐसे सोच लिया कि नहीं भाई पढ़ाई में अच्छी नहीं है बच्ची, या मतलब सोच लेते हैं रिश्तेदार तो, लेकिन उसका अभी ग्रेड सेकंड में बहुत अच्छे नंबर से सिलेक्शन हुआ है, जो मतलब फाइनल जो भी कट ऑफ गई है उससे उसके बहुत बढ़िया नंबर है, तो उम्मीद करते हैं कि उसके हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन। तो इस तरह मैं कहती हूँ कि आप भूल जाओगे आपका ग्रेड थर्ड में नहीं हुआ, ग्रेड सेकंड में नहीं हुआ, अरे यार आपके लिए कुछ बहुत अच्छी चीज़ रखी होगी इसलिए नहीं हुआ। मैं खुद कह रही हूँ, जब मैंने ग्रेड सेकंड का पेपर दिया था रेट में मेरा हुआ था, पर ग्रेड सेकंड मेरे आसपास भी नहीं थी यार, मुझे बहुत हार्ड लगा था सेकंड ग्रेड का पेपर, क्योंकि दिसंबर में लगा था और दिसंबर में ही मेरी मेंस थी, तो मैंने अलग से तैयारी नहीं करी थी, मुझे बहुत हार्ड लगा था। तो आई होप कि यार डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप चाहे 1000 बार फेल हुए हो कोई मतलब नहीं है, मैं फिर कहूंगी नेगेटिविटी को दूर भगाइए और सिर्फ खुद पे विश्वास कीजिए कि यार भाड़ में जाओ, तुम बोलो जो बोलो, मैं बन सकता हूँ और मैं बनूंगा, और अपनी स्ट्रेटेजी बना लीजिए। पेपर तो आपको देखो अपना तैयार करना ही करना है, इसके साथ में फर्स्ट पेपर इस तरह से लेके चलूँ, और मेरी कोशिश रहेगी कि यार मैं भी फर्स्ट पेपर के लिए
जो मेरे नोट्स बने हुए हैं मैं बनाती अभी भी बनाती रहती हूँ, राजस्थान वगैरह, और ये मैं शुरू करवा दूँ तो मुझे ना थोड़ा सा डर लगता है। मैं मेरे को ऐसा लगता है यार मैं आप लोगों से कमिटमेंट कर देती हूँ फिर उस कमिटमेंट पे लागू नहीं रह पाती, मेरे को बर्डन सा हो जाता है। कई बार उधर बहुत काम होता है स्कूल में, फिर मैं कुछ दिन ससुराल चली जाती हूँ, फिर वहाँ पे बिल्कुल भी कैरी नहीं कर पाती ये सारी चीज़ें, तो फिर मेरे को लगता है यार बच्चों के साथ धोखा कर देते हैं अपन, तो इसलिए मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती और नई चीज़ लागू भी नहीं करना चाहती। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जैसा भी मतलब मेरे से हो सकता है आप लोगों के साथ सहयोग बरकरार रखूं। और अगर इस तरह के वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।